नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शाब्दी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के विकास कार्यों पर पूरी नजर रखे हुए हैं। मोदी आज अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। बता दें कि ये समीक्षा बैठक सुबह 11 बजे वर्चुअली होगी। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मोदी इस समीक्षा बैठक में अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे। इसके साथ ही वे अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। पीएम मोदी के अलावा इसमें 13 सदस्य भी शामिल होंगे। सीएम योगी के साथ ही प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह, अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह, चीफ सेक्रेटरी के अलावा प्रमुख सचिव पर्यटन, अपर मुख्य सचिव नगर विकास समेत अन्य विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद रहेंगे। प्रमुख सचिव आवास विकास प्रेजेंटेशन देंगे। गौरतलब है कि बैठक के मद्देनजर अब तक की प्रगति के लिए शासन के अधिकारियों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पीएम मोदी राम मंदिर से लेकर सरयू घाट के सौंदर्यकरण और भगवान राम के प्रतिमा के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी करेंगे। बता दें कि अयोध्या में विकास कार्यों के लिए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 20,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं तैयार की गई है। तो अयोध्या के विकास पर आज बड़ी बैठक होनी है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली छुड़ेंगे और अयोध्या के प्रेजेंटेशन और विजन डॉक्यूमेंट को लेकर आज चर्चा की जाएगी और पेश होगा अयोध्या का आज विजन डॉक्यूमेंट। बता दें सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 20,000 करोड़ के विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। पर्यटन केंद्र और अयोध्या रिंग रोड 2588 करोड़ का बनेगा। सरयू रिवर बैंक 2,000 करोड़ का बताया जाएगा। उसके साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5,000 करोड़ का बन सकता है। बता दें आज विजन डॉक्यूमेंट पेश होगा प्रधानमंत्री मोदी के सामने, जहां पर अयोध्या मंदिर की जो तस्वीर है वो लगभग आज साफ हो जाएगी। लंबे समय का इंतजार था, लोगों को भी इंतजार था कि किस तरह और कितना भव्य होगा राम नगरी और राम मंदिर। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा करने जा रहे हैं। अयोध्या के विकास को लेकर बड़ी बैठक होगी। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने राम नगरी को लेकर जो विजन डॉक्यूमेंट है, राम मंदिर को लेकर जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पेश किया जाएगा। कितने दूर तक काम चला है और राम मंदिर कैसे बनेगा, क्या कितना भव्य होगा, इसको लेकर आज चर्चा की जाएगी। तो वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जुड़ेंगे और अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट जो है उनके सामने आज पेश किया जाएगा और 13 अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 20,000 करोड़ के विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, जहाँ पर अयोध्या के विकास पर आज बड़ी बैठक होनी है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि पीएम के सामने प्रेजेंटेशन देंगे प्रमुख सचिव आवास विकास अधिकारी और नोएडा समेत। आपको बता दें कि 20,000 करोड़ के विकास को लेकर आज चर्चा की जाएगी। अयोध्या के विकास पर आज बड़ी बैठक होनी है क्योंकि लोगों को भी काफ़ी समय से इंतज़ार था कि राम मंदिर कितना भव्य होगा और क्या कुछ भव्य रहने वाला है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इस दौरान बता दें कि इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, एक बड़ा दिन है, ऐसे में विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा, क्या कुछ बताया जाएगा प्रधानमंत्री को आज इस दौरान, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए श्रावणी, बिल्कुल आज 11 बजे का समय पूरे देशवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देशवासियों की नजर है कि किस तरह का विजन डॉक्यूमेंट जो है वो आज प्रधानमंत्री पेश करने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम उपस्थित रहेंगे, इसके अलावा नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन रहेंगे और इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी रहेंगे और सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह भी रहेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल के कई सारे महत्वपूर्ण चेहरे अपने प्रमुख सचिव के साथ और चीफ सेक्रेटरी भी इस डॉक्यूमेंट्री विजन के दौरान मजबूत रहेंगे और मुख्य उद्देश्य यही है कि किस
किस तरह का आधुनिक भव्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंदिर बनेगा और उसी को ही लेकर के श्रावणी इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। हालांकि हमसे हमारे साथ इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी भी हैं। कांग्रेस कैसे देख रही है इस पूरे डॉक्यूमेंट्री विजन को, इनसे हम सवाल लेते हैं। सर, आज पूरे देश की नजर इस डॉक्यूमेंट्री विजन पे है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि मंदिर का स्वरूप कैसा हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर का पूरा मंदिर बनाया जा रहा है, आसपास की जो भव्यता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की होने वाली है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर के हर चीज वहां पर तैयार करने की बात कही जा रही है। कैसे देख रही है कांग्रेस आज के इस पूरे डॉक्यूमेंट्री विजन को? जन भावना यही है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण। पर भाजपा की एक समस्या है कि अगर राम मंदिर बन जाए तो फिर अगला चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे? राम जन्मभूमि तो खाली पड़ा है, कांग्रेस के समय अधिग्रहित कर ली गई थी, तो जो मुख्य परिसर है वो तो हवाले है राम जन्मभूमि के, बनाते क्यों नहीं? आज तक वहां एक ईंट नहीं रखी। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ खरीद रहे हैं 3 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर की जमीन उसी परिवार ऋषिकेश उपाध्याय जो मेयर हैं, जो भाजपा के, वो खरीद रहे हैं 8 करोड़ में। तो जमीन की खरीद फरोख जो हो रही है उससे राम जन्मभूमि के निर्माण पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सवाल आज ये है, बताऊंगे प्रधानमंत्री, इक्का ईंट रखी गई हो उसको नहीं करेंगे, ये इसको खिसकाएंगे, ले जाएंगे विधानसभा के चुनाव तक, लोकसभा के चुनाव तक, क्योंकि एक बार राम जन्मभूमि पे राम का भव्य मंदिर बना नहीं कि भाजपा की बैसाखी गई और ये राम नाम सत्य हो जाएगी भाजपा की राजनीतिक यात्रा। तो इसीलिए ये विवाद पर विवाद पैदा कर रहा है। सर, आज विजन जो पेश हो रहा है क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं एक तस्वीर पहले तैयार होगी तभी उस पर कुछ हो पाएगा? विजन तो इनके हमने देख ली, नोटबंदी के भी, 2 करोड़ रोजगार के भी, 15 लाख का भी विजन देख लिया, अच्छे दिन का विजन देख लिया। आज तक प्रधानमंत्री बताएं उनका कौन सा विजन सफल हुआ? सवाल सीधा से यह है कि जनता चाहती है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उस पर विजन उजन बाद में दिखाते रहे। निर्माण तो शुरू करो, नीत और नियत तो तुम्हारी दुरुस्त हो, तुम जय श्री राम भूल के तुमको लगता है अगले चुनाव में लगाओ क्या जय श्री राम करा रहा? जब जय सिया राम तुम्हारा हो ही जाएगा तो क्या करोगे? इसलिए जानबूझकर बदनीयति के साथ भारतीय जनता पार्टी विजन और लॉन्ग विजन शॉर्ट विजन दिखा रही। अरे मंदिर के निर्माण में अब क्या अड़चन है ये बताओ? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, पैसा इफरात पड़ा हुआ है, लुट रहा है पैसा चंदे का, तो वहां बनाओ ना, दिखाओ कि इतना बन गया, इतना और बनना, जहां पे मस्जिद है वहां मस्जिद बने, यहां मंदिर बने, इसमें अब क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो भाजपा की नीत और नियत दोनों दोष। बिल्कुल श्रावणी, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के लगातार सबकी नजर है, विपक्ष ने भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए है, और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर साफ किया है कि इतने माह हो गए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है लेकिन वहां पर कहीं पर भी एक ईंट तक रखने का काम नहीं हुआ है, यानी निर्माण कार्य में जानबूझ करके देरी की जा रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से है। और उसका कारण कांग्रेस ये बता रही है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक इस पूरे कार्यक्रम को भाजपा खींचना चाह रही है। जाहिर सी बात है कि आज जो पूरा डॉक्यूमेंट्री विजन है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री आज पूरी वर्चुअल बैठक करने जा रहे हैं उस पर सबकी नजरें बनी हुई है, देशवासियों की नजरें बनी हुई है, विपक्ष भी चाहता है कि काम जल्दी शुरू हो और जल्द से जल्द वहां पर मंदिर दिखना शुरू हो। बिल्कुल, सबकी नजरें बनी हुई है इस पर विजय, लेकिन अगर बात की जाए राम मंदिर के अलावा अयोध्या की, तो अयोध्या में भी डेवलपमेंट कार्य कहीं ना कहीं इस मंदिर के बनने से बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, और अगर हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म भी बढ़ेगा और इसका फायदा कहीं ना कहीं राज्य जिले के साथ साथ देश को भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर वहां पर राम मंदिर बनता है तो जाहिर है कि टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार के साथ साथ कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय पटल पर अयोध्या की तस्वीर दिखाई देगी। यही सवाल मेरा है कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी से, किस तरह से देख रहे हैं, मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर अयोध्या में इस तरह का विकास कार्य अगर हुआ तो अंतरराष्ट्रीय विजन या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो अयोध्या की चर्चा होती है, उसकी तस्वीर भी दिखनी शुरू होगी? मैं तो कह रहा हूँ अंतरराष्ट्रीय बने, एयरपोर्ट भी बने, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेशन भी बने, जो सुंदरीकरण हो वो हो, उससे मैं सहमत हूँ। रोजगार भी सर बढ़ेगा, अब रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इनका देखेंगे, क्योंकि जो इनके हालात हैं
आज तक जो कहा किया तो कभी है नहीं, पर मेरा ये कहना है जो सीधा सा सवाल है कि राम जन्मभूमि विवादित मुक्त हो गई है, वहां मंदिर का निर्माण पहले करो, हवाई अड्डा और ये सब तो बाद में आता रहेगा, तो मंदिर दो दिन में तो नहीं बन जाएगा, सालों लगेगा, तो सालों का काम तो शुरू करो, एक ईंट रखोगे नहीं, नजर है 2024 में चुनाव पे, 2022 में अगर कहीं राम जन्मभूमि का निर्माण हो ही गया मंदिर का, तो भाजपा के पास क्या रह जाएगा? कोरोना, ऑक्सीजन की कमी, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल श्रावणी, आप देख रहे हैं कि विपक्ष भी चाहता है कि जितनी जल्द राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होगा, कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा जो है वो भाजपा के हाथ से जा सकता है, तो विपक्ष भी चाहता है कि तेजी से काम यहाँ पर हो, तेजी से इस विजन को साकार भी किया जाए और सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। मैं प्रमोद जी से एक सवाल लूंगा, मंदिर बन जाएगा, आप राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे भगवान राम का? अरे मैं तो पहले भी जाता रहा हूँ, पर्यटन मंत्री रहा हूँ, जो राम की पैड़ी वहाँ बनी हुई है ये मेरे कार्यकाल में, पंडित श्रीपत मिश्र के कार्यकाल में, वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल में बनी, हम दिखावा नहीं करते, हम तो यात्री सुविधाएं पहले तो वहां दे रहे हैं। राम मंदिर बनेगा तो आप जाएंगे जरूर? राम मंदिर बने कोई भाजपा का मंदिर होगा क्या? भगवान राम का मंदिर होगा, जिनकी आस्था होगी सभी जाएंगे, और मैं तो अभी जाता हूँ हनुमानगढ़ी दर्शन करने। अयोध्या के लोगों से पूछिए कि प्रमोद तिवारी कभी गुजरते नहीं अयोध्या से बिना वहां दर्शन किए, और जो ये स्थल था जब खुला हुआ था हम लोगों की सरकार, तो कई बार मैं गया हूँ। यानी मंदिर बनते ही पहुंचेंगे आप? मैं कहता रहा हूँ मंदिर जब बन जाएगा तब भी दर्शन करने जाऊंगा, और भाजपाई तो तब नहीं जाते थे डर के मारे वहां पे, जब ये वहां पर मंदिर का ढांचा मौजूद था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने ढांचा कह दिया, मैं तो उस समय दर्शन करने जाता। बिल्कुल श्रावणी, आप देख रही हैं कि अगर मंदिर बना तो सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां जरूर पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, और विपक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो, विजन डॉक्यूमेंट्री जो आज पेश हो रही है वो सचमुच जमीनी हकीकत बन करके अयोध्या की धरती पर पहुंचे, और जितनी तेजी से निर्माण कार्य होगा जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विजन जो है वो पूरे देश नहीं पूरे विश्व को दिखाई देगा, और ऐसे में देश का नाम भी होगा और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अच्छी छवि भी उभर कर आएगी। बिल्कुल विजय, क्योंकि देखिए राम मंदिर चित भी होगा, ऐसे में करोड़ों रुपए भी इसमें खर्च होंगे, जिस तरह विपक्ष बोल रहा है जल्द से जल्द राम मंदिर बनकर तैयार होना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो इसमें समय तो जरूर लगेगा, और इससे पहले एक पैनल का बैठना बेहद ही जरूरी है, आगे प्रोजेक्ट्स को कैसे सामने रखा जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए, और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कैसे खत्म किया जाए इसको लेकर भी पहले जरूरी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आज वर्चुअली जुड़ेंगे और समीक्षा करेंगे इस बात को लेकर, क्योंकि अगर आगे जाके कार्य सही से नहीं होता विपक्ष ही वो पहला होगा जो ये सवाल खड़ा करेगा कि काम में धांधली हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये मैं सवाल भी ले रहा हूँ, हमारे एंकर का सवाल है कि अगर ठीक तरीके से पूरे प्रोजेक्ट्स को ना पेश किया गया और कहीं ना कहीं उसको सही तरीके से उसमें एक कमेटी या टीम ना रखी गई तो करोड़ों रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है और इसमें कहीं भी कुछ धांधली होती है तो विपक्ष इस पर आरोप भी लगाएगा कि भाई इसमें धांधली होनी शुरू हो गई, इसमें घोटाला होना शुरू हो गया। घोटाला तो हो ही रहा है, कर क्या रहा है, विजन में क्या दिख नहीं रहा है कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद ली गई, दिख नहीं रहा है कि 2 करोड़ की जमीन ऋषिकेश उपाध्याय के परिवार ने फिर 8 करोड़ खरीद ली, तो घोटाला होगा तो विपक्ष तो आवाज उठाएगा, क्योंकि हम राम के प्यारी हैं, भाजपा की तरह राम के व्यापारी नहीं। बिल्कुल, विपक्ष का साफ कहना है कि अगर घोटाला होगा तो वो जरूर इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे, और इसके पहले भी जो जिस तरह से जमीन खरीद का मसला था उस पर भी उन्होंने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है, और जाहिर है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने, और जो एक राम जो है वो चुनावी हो चुके हैं वो सबके लिए ईश्वर तुल्य हो जाए और सब लोग वहां पहुंचे और दर्शन करें और भगवान राम की छवि जो है उससे कम से कम भारत देश की छवि और निखर करके सामने आए। बिल्कुल विजय, अगर राजनीति से इतर बात करें तो विपक्ष राम मंदिर के निर्माण को लेकर कितना उत्सुक है, कितना उत्साह है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। बिल्कुल, ये सवाल मैं करता हूँ, हमारी एंकर ने सवाल लिया है आपसे कि विपक्ष कितना उत्साहित है राम मंदिर बनने को लेकर के। कांग्रेस का स्टैंड पहले दिन से था, या राम जन्मभूमि का विवाद तय हो जाए बातचीत के जरिए, या जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का है उसको सब स्वीकार करें, तो हम तो अपने निर्णय से जो हमने वर्किंग कमेटी में लिया है बने। उत्साह की जहाँ तक बात है, इस समय तो निराश हूँ मैं कि जब चंदे की चोरी हो रही हो, चंदा चुराया जा रहा हो, एक ईंट न रखी जा रही हो, तभी तो निराश हूँ मैं।
मैं तो चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण शीघ्र। आपके सवाल का जवाब भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी ने दिया और उनका कहना है कि भाई बिल्कुल विपक्ष उत्साहित है और पूरी तरह से उनका एक सिंगल वन स्टैंड है कि जल्द से जल्द वहां पर भगवान राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। बिल्कुल विजय, तमाम जानकारी के लिए आपका